बुलाएं अगले को. Let's go for it. Guys, can we have our next contestant? क्या बात है मनप्रीत? सर सत्या मनप्रीत, क्या हाल है? हेलो सर. हेलो मैम. सत्या जी. सत्याकाल. मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं पंजाब के गांव से बिलोंग करती हूँ. और मैं वैसे MSc साइंस की हुई, मैंने साइंस टीचर हूँ, बट अभी रिसेंटली मैं 3 ईयर से चंडीगढ़ में रह रही हूँ, जिम्स में भंगड़ा करवाती हूँ. अच्छा, मतलब तू टीचर से भी भंगड़ा कराती है जिम में? क्या बात है यार. पैशन, मतलब पैशन तेरे को ले आया वहाँ से? एक्चुअली जो शाहपुर थेड़ी है ना, वो एक ऐसा गाँव है जहाँ पे एक लड़की, तो क्या एक लड़का भी ना यहाँ पे आने के लिए सोच भी नहीं सकता, मतलब उसको पहले ही बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है. तो ये लड़की ने कैसे सोचा? मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए पहले जिसने बताया कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ. 2013 में मेरा किडनैप हो गया था. वो एक बहुत सीरियस किलर था जिसने पहले भी 2 लोगों को मारा हुआ था और तीसरी मैं थी. और वो ऑटो वाला बन के आया था. एक्चुअली मैं किसी इंस्पेक्टर के घर पे रहती थी, उसको लगा था मैं उनकी बेटी हूँ और मैं एज अ PG रह रही थी. तो उसने मेरे को वहां से लिया. सुबह 5 बजे का टाइम था, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, मेरे यहां से स्क्रू ड्राइवर लगा और फिर वो आगे से उसने मेरे बाल ऐसे पकड़ के ना उसने मेरे को नीचे खींचा और फिर उसने मेरे यहां भी मारा पेचकस जो यहां से निकला और फिर मेरे लंग्स पंचर हो गए इस साइड के, जो राइट साइड था वो पूरा डैमेज हो गया. फिर उसने मेरे यहां पे मारा. मतलब इतने ज्यादा पेचकस मारे, अभी भी मेरे शोल्डर पे तो मार्क्स हैं पेचकस के. मतलब 15 पेचकस ऐसे थे जो मेरी बॉडी को आर पार कर गए और 40-45 ऐसे थे जो 1 इंच अंदर, 2 इंच अंदर, 3 इंच अंदर ऐसे हो गए. तो वो मेरे को मार रहा था. एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस तरह लिटी हुई थी और उसका एक गोड्डा यहाँ पे था. तो मैंने क्या किया, मैंने पेंसिल हील डाली हुई थी, मैंने उस पेंसिल हील से ना उसके पेट पे हिट किया. तो उससे क्या हुआ, जो मेरी पेंसिल हील थी वो उसके पेट के बिल्कुल अंदर चली गई. तो उसके भी बहुत ब्लड आया. फिर मैंने उसका गला पकड़ लिया तो उसने बोला कि ना तो आज मैं तेरी आंखें रहने दूंगा, ना तेरी आवाज रहने दूंगा. मारे गया. जब उसको लगा ना कि अभी बिल्कुल डेड हो चुकी है तो मेरे को वहां पे फेंक के चला गया. 2-3 घंटे बीत गए थे, सुबह हो गई थी. जो लोग वहां से निकल रहे थे ना वो मेरे को उठा नहीं रहे थे. 2 बाइक वाले निकले तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा लग रहा है कि रात को इसने ड्रिंक की है और इसको कोई ट्रक के नीचे देके चला गया है. मेरे को सुन रहा था सब पर मैं बोल नहीं पा रही थी कि मेरे को उठाओ, क्योंकि मेरी ये चीज ना बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी. पर क्या हुआ, मेरे में ना उस टाइम पे इतनी हिम्मत आ गई ना कि नहीं, ऐसा आज मेरे साथ हुआ है ना, कल को मनप्रीत कुछ ऐसा करके ऐसा किसी और के साथ ना हो. इस मुजरिम को तो पकड़वाऊंगी पर मैं मरूंगी नहीं. मैंने तभी रेंगना शुरू किया. 1.5 किलोमीटर मैं रेंग के गई हूँ और किसी ने मेरे को तब नहीं उठाया. वहां भी एक फैमिली थी, उन्होंने जब देखा उनकी बच्चियां खेल रही थी तो उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि वहां पे एक लड़की है जिसको मार के फेंके. सुबह 5 बजे जो चिक्कों की आवाज है ना वो उसी लड़की की आ रही थी, उसको कोई मार रहा था और हमने सोचा पता नहीं किसकी आ रही है. तो वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए. वो हॉस्पिटल में जब मेरे को लेके जाया गया तो डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के चले गए, कहते ये वैसे भी मरने वाली है, वैसे भी पुलिस केस है, इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालो. किसी ने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया. इतने में पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस आई, रजिंद्रा हॉस्पिटल में ले गए मेरे को. चेकअप हुआ, ये बोला गया कि ये लड़की या तो ये मर जाएगी या ये कोमा में चली जाएगी. मेरे मम्मा पापा को बोला गया कि आप लास्ट टाइम मिल लो इससे एक बार, भी ऑपरेशंस के लिए लेके जा रहे हैं. तो मैंने मेरे मम्मा को ना इशारा किया और स्माइल की, कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि मेरे में ना उस टाइम मेरे को इतनी शक्ति आ गई थी ना कि मेरे को एक ही चीज दिख रही थी, जिंदा रहना है और उस बंदे को मैंने पकड़ना है. एक दिन मैंने स्केच बनवाया और उस स्केच के जैसे नेक्स्ट डे 3 बंदे पकड़े गए और उन तीनों की शक्ल सेम थी. मैं सच बोलूं जब वो मेरे सामने आए थे ना मेरे को वो तीनों सेम लग रहे थे.
तो मैंने बोला सर जिसने मेरे को मारा है उसको मैंने भी मारा है, उसके पेट पे जख्म होगा, उसके गले पे भी जख्म हो गए, मैंने प्रॉपर फाइट बैक की है। तो क्या वो उन्होंने बोला कि भाई इनकी बनाने उतरवा दो, तो उतरवाई तो एक के जख्म मिल गया वही वाला। मैंने बोला ये है, उसको पूरी रात रखा रिमांड पे, सुबह वो मान गया कि वही बंदा है ना, पकड़ा गया वो बंदा। मैंने पूरा केस लड़ा तो एंड में मैं 2015 के दिसंबर में मैं केस जीत गई और उसको उम्र कैद हो गई। आप जैसे लोग होते हैं तो ऐसे लोग निकल के आगे आते हैं जो लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं। प्लीज़ अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसे लोग देखते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने ही बोल दिया है कि किसी के ऊपर ऐसा केस नहीं आएगा अगर वो उठाकर उसे हॉस्पिटल में पहुँचाएगा, तो प्लीज़ अगर आपके सामने ऐसे लोग आते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करो। सुना तेरे को ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिले उसके लिए। तो जब मैं केस जीती वो बंदा पकड़ा गया जो पकड़ा ही नहीं जा रहा था और वो मेरे स्केच से पकड़ा गया। तो फिर पहले मेरे को डिस्ट्रिक्ट ब्रेवरी अवार्ड मिला, वीरता अवार्ड मेरे को 2013 में मिल गया था यूनिवर्सिटी में, फिर मेरे को स्टेट ब्रेवरी अवार्ड मिला, फिर मेरे को अभी नेशनल मिला 2021 में दिल्ली से। तो एक भांगड़ा हो जाए फिर हो जाए जरूर। भांगड़ा यार भांगड़ा। म्यूजिक प्लीज। आपकी बड़ी इंस्पायरिंग सी स्टोरी है, लेकिन रोडीज की जो दुनिया है इसमें तो बहुत सारा कुछ तेरे को पता है ना, चैलेंजिंग चीजें होती हैं। मैं सब कर लूंगी। चलो भैया अभी गैंग लीडर्स आपका नंबर है। वैसे इसका प्रोसीजर है मनप्रीत कि अगर हमें कोई पसंद नहीं आता तो हम रेड लाइट चला देते हैं, पर आपके केस में ऐसा मैं बताऊंगा मेरे पास 6 लड़कियां मैं नहीं ले सकता हूं, बट मैं आपके लिए रेड लाइट नहीं चलाऊंगा। आई थिंक मेरे लगता है कि कोई भी नहीं जलाने वाला, पर मैं आपके लिए कुछ करूंगा कि मैं सोनू सर को कन्विंस करूंगा कि उनके पास एक पावर है, अगर उस पावर का यूज़ करते हैं और हमारे हाथ में खेल आता है तो शायद आप इस गेम में आ सकते हैं, पर वो पावर सोनू सर के हाथ में है, सोनू सर के पास है। आप लोगों की क्या फाइनल डिसीजन? रेड तो नहीं है सर। मैं उस वाहिगुरु जी की कसम का कहती हूँ, मेरे बहुत हिम्मत है, मेरे को पता है मेरी हिम्मत। रोडीज देखा तूने ना पहले, रो के किसी ने कुछ हासिल किया आज तक यहाँ पे? नहीं सर, पर मैं लड़के की है ना, और तू लड़ाई तू अपने लड़ने के लिए तो जानी जाती है, तूने प्रूव किया है। तू रोडी बन गई। रोडी बन गए वाह। Congratulations. Yes, sir. God bless you. वो बोलते हैं ना कई बार कांड से ऊपर कर्म जीते हैं ना, तो तेरे कर्म जीते हैं। अक्सर जब ये ग्रीन बत्ती जलती है तो रिवर्स ब्रीडिंग होती है, मतलब कि सब लोग बोलते हैं कि यार मैं रोडियम लगाऊंगी और ये किसी और गैंग के अंदर जाएं, पर तेरे साथ रिवर्स ब्रीडिंग नहीं होगी और तुझे रिया के गैंग में जाना चाहिए क्योंकि ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है। हैप्पीली। और तू रिया के गैंग में जाएगी। थैंक यू मैम। वेलकम टू रोडीज। नो मोर क्राइंग। वेलकम टू रोडीज।